इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ब्रीच बेबी क्या होता है, यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चे उल्टा होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उस उल्टे बच्चे को हम सीधा कैसे टर्न कर सकते हैं माँ के गर्भ में ही। देखिए, इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज आती है, तो चलिए मैं इस वीडियो में डिटेल आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि अगर आपका बच्चा सीधा ही है माँ के पेट में तो लास्ट तक खुद कैसे पता लगाएंगी। तो ये सारी जानकारी सिर्फ एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले चैनल को लाइक कर दे, और आपके बच्चे की दुनिया में आने से पहले जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो इसी चैनल पे सॉल्व की जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम तीन चीजें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहली चीज, ब्रीच बेबी क्या होता है, यानी कि माँ के पेट के अंदर अगर बच्चे का पैर नीचे है और सर ऊपर है, यानी कि जो बच्चा है वो उल्टा है, तो इस केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो इसे ही बोलते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा जो है वो उल्टा है। और बच्चा सीधा कब होता है, जब बच्चे का सर माँ के पेल्विक रीजन के अंदर होता है, ये नॉर्मल डिलीवरी पोजिशन भी इसे कहते हैं। तो ये होता है बच्चा सीधा होना। दो चीजें आपको क्लियर हो गई। और आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, तो देखिए, आप नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो अपने हैंड से ही पेट को थोड़ा सा चेकअप करती है और वो बता देती है कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। और मैंने पर्सनली कैसे फील किया था कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, क्योंकि बच्चा जब हेड डाउन करता है तो आपका जो पेट है ना वो नीचे की तरफ, जैसे इतना पे पेट है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है और जो हेड है वो पेट के पेल्विक रीजन में चला जाता है और पेट आपका ऊपर में खाली हो जाता है, जिसके कारण आप, मैं ये कहूँ तो, खाने पीने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। मुझे उस टाइम हुआ था और सभी को ऐसा ही होता था। आपको खुद लगेगा कि बच्चे का जो भार है वो नीचे चला गया है, तो इस केस में बच्चा हेड डाउन कर लेता है तभी बच्चे का भार नीचे चला जाता है। और जब बच्चा तिरछा हो, आड़ा हो या फिर सीधा हो, तो उस केस में जो बच्चे का भार होता है वो पेट के नीचे में नहीं जा पाता है। तो नॉर्मली आप खुद पता लगे या नहीं, आप जो नॉर्मल चेकअप होता है बिना अल्ट्रासाउंड के, ऐसे ही डॉक्टर आपको देख के बता देती है पेट टच करके। तो यहाँ क्लियर हो गई कि बच्चे सर नीचे कब करते हैं, आप कैसे जानेंगे। अब लास्ट में एक चीज यहाँ पे बहुत ही सीरियस मैटर है, जो बच्चे ब्रीच पोजीशन में है, यानी कि जो बच्चे माँ के गर्भ में उल्टा है, उनको लेके मैं एक बहुत ही सीरियस बात कहने वाली हूँ। ऐसे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, ऐसे बहुत सारे कहा सुनी में लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि माँ के गर्भ में जो बच्चा उल्टा है उसे सीधा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? एक तो बच्चे को टर्न करके, दूसरा कोई मशीन होता है जिससे टर्न करके, और तीसरा एक्सरसाइज करके। तो मैं ये तीनों चीजों के बारे में एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका बच्चा उल्टा है पेट के अंदर और डॉक्टर ने बता दिया है, ऐसे ही बताया या सोनोग्राफी देखकर बताया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी आस पड़ोस की दाई माँ भी, कई तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, आपको किसी से भी आपको बेबी अपना टर्न नहीं करवाना है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी, अगर पर्सनली मेरे साथ होता तो मैं भी एक्सपर्ट से नहीं करवाती, लेकिन बट मेरे साथ ऐसा केस नहीं हुआ था। देखिए इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स क्या क्या है। देखिए, अगर आप अपने बेबी को मैनुअली एक्सपर्ट के थ्रू भी अगर करवाती हैं तो बहुत इस चीज़ का हो सकता है कि बच्चे को नुकसान हो, बच्चे के बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो भी 100% श्योर गारंटी नहीं लेते कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित होगा जब वो बाहर आएगा तब। तो इस केस में भी आप किसी भी एक्सपर्ट से, या जो नहीं है या कुछ नहीं है, उनसे भी आप अपने बेबी को टर्न नहीं करवाएं। और दूसरी बात, मशीन पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकती हैं कि आप अपने बेबी को टर्न करवा लें मशीन से। और तीसरी चीज़, एक्सरसाइज। बहुत सारी मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ देख चुकी हूँ जो ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि 100% आपका बच्चा जो है वो सीधा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, उनके एक्सरसाइज के वीडियोस में ये होता है कि माँ का जो पेट है, पेट के नीचे कभी तकिया लगा लो, अलग अलग टाइम पे एक्सरसाइज बताया हुआ है, यानी कि 28 से 32 वीक में ये एक्सरसाइज कर लो, अपने हाथों को नीचे करके जमीन पे करके वैसे वाले एक्सरसाइज कर लो, बच्चा टर्न हो जाएगा। कुछ मैंने ये देखा कि
32 से 36 वीक के अंदर ये कर लो तब तो पक्का रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप सभी को एक चीज क्लियर करवा दूँ, कोई भी एक्सरसाइज आपको किसी भी डॉक्टर से या किसी से भी पूछे बिना नहीं करना है, और अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं तो उनके सामने कुछ करके दिखाइए, नहीं तो मेरी अगर बात आप मेरी बात मानती हैं, अगर मेरे चैनल की रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, इस बात की एक्सरसाइज जिसमें बेबी को टर्न किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत खतरा होता है, बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, बच्चे की सर की या फिर कोई भी नस दब सकती है, तो आपको अपने बच्चे की रक्षा उसके दुनिया में आने के पहले से ही स्टार्ट कर देनी है। तो आप किसी तरह के नॉर्मल है, दिक्कत ही क्या है, अगर सीजर हो जाएगा तो सीजर डिलीवरी भी अच्छा होता है, माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षित बचाया जाता है। बार बार मैं यही चीज बोलती हूँ अपने वीडियो के अंदर कि सीजर डिलीवरी भी अच्छी चीज है, आप इस चीज को मान कर चले। नॉर्मल डिलीवरी तो चलो हर पोजिशन में पॉजिटिव होता है तब होता है, लेकिन अगर केस वैसा है बच्चा उल्टा है तो आप आराम से सीजर करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। बहुत सारे लोगों ने सीजर डिलीवरी करवाई है और उनके रिजल्ट्स बेस्ट रहे हैं, लेकिन बेबी को टर्न कहीं से भी आप करवाने की मत सोचना, कोई भी एक्सरसाइज ऐसा कुछ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बच्चे को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो इस वीडियो को एक तरह से मैं कहूं तो मैंने जनहित में जारी किया है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देखकर मैं परेशान हो चुकी थी, और मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर कमेंट करती है कि उनका बच्चा उल्टा है कोई एक्सरसाइज बताओ, तो देखिए मैं या कभी कोई भी एक्सरसाइज बताए तो आप वो सब मत करो, और आप सीधा अपने डॉक्टर से बात करो, उनकी अनुमति के अनुसार कुछ भी करो, कुछ भी यानी कि मेडिसिन खाना पीना जो भी करना है आपको अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग करना है। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।